हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेबल की इंग्लिश क्लासेस। आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इस टॉपिक को मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो शुरू करते हैं पार्ट वन। नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कथन, अर्थार्थ कहना, किसी बात को कहना। लोग इस एक चीज़ को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन, लेकिन चारों चीज़ें एक ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, जब कोई श्रोता सुनने वाला किसी वक्ता बोलने वाला के कथन को ज्यों का त्यों बोलता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसमें बोलने वाले के कथन को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। बोलने वाला जो है उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। जैसे राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू कोटा। राम ने मुझे कहा मैं कोटा जा रहा हूँ। कहने वाला कौन है? राम। और राम की जो बात है, राम के जो शब्द है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, तो ये है डायरेक्ट स्पीच। अगला सेंटेंस, सी सेज टू यू यू डो नॉट प्ले क्रिकेट। वह तुमसे कहती है तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है वो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। इसमें जो बोलने वाला है उसके जो शब्द है वो डायरेक्ट शब्द है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो डायरेक्ट स्पीच है। अगला सेंटेंस, आई विल से टू हिम मोहन इज़ द बेस्ट प्लेयर। मैं उससे कहूँगा मोहन सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर आई के जो शब्द है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच है। तो इस तरह के वाक्यों को हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेज है वो कहते हैं। तो इसी तरह के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, जब कोई श्रोता यानी सुनने वाला किसी स्पीकर वक्ता बोलने वाला के कथन को अपने शब्दों में कहता है, अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे जो तीन सेंटेंस मैंने डायरेक्ट स्पीच के दिए थे उन्हीं को मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। पहला सेंटेंस है, राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू कोटा। राम ने मुझे बताया कि वह कोटा जा रहा था। यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच की जो बात है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके रखा गया है। अगला सेंटेंस, सी टेल्स यू दैट यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह तुमसे कहती है कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यहाँ पर बोलने वाले ने इस बात को अपने शब्दों में कहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर जो शब्द थे डायरेक्ट स्पीच के, जो शब्द थे उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके कहा गया है, यानी बोलने वाले ने अपनी भाषा में अपने शब्दों में ये बात वो कही है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच है। थर्ड सेंटेंस, आई विल टेल हिम दैट मोहन इज़ द बेस्ट प्लेयर। मैं उसे बताऊंगा या बताऊंगी कि मोहन सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर जो तीनों सेंटेंसेज है वो इनडायरेक्ट स्पीच के है। तो हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। सेकेंड है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच या इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले लेते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया है, शीला सेड टू मी आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस को अंडरलाइन किया है, वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे सेंटेंस है, यू सेड टू हर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य दिया हुआ है, दे आर प्लेइंग चेस। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जनरल रूल्स
साधारण नियम जो सभी तरह के वाक्यों में लागू होते हैं। तो मुख्य रूप से तीन परिवर्तन हैं जो सभी तरह के वाक्यों में लागू होंगे, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये जो तीन मुख्य नियम हैं ये सभी तरह के वाक्यों में लागू होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है चेंज ऑफ पर्संस। जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जो मुख्य परिवर्तन होता है वो चेंज ऑफ पर्सन होता है। सेकंड है चेंज ऑफ टेंसेस। दूसरा परिवर्तन क्या करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और तीसरा जो है वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो कुछ दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें भी हम परिवर्तन करते हैं। तो मुख्य रूप से ये तीन परिवर्तन हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय हम काम में लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं चेंज ऑफ पर्संस। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कोमा के भीतर जितने भी पर्संस हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, वे एस वन बटा 1, 2, 3 123 के अनुसार बदल जाते हैं। यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितने भी पर्सन हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, वो इस नियम के अनुसार वो बदलते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए एस इसको दिया है। और सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंग्लिश में तीन पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी है, सेकंड पर्सन में अकेला यू है, और थर्ड पर्सन के अंदर बाकी जितने भी प्रोनाउंस वो है ही, सी, दे, इट और नेम, सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन्स, तो ये सारे थर्ड पर्सन है बाकी। तो ये आपको समझने हैं इस नियम के लिए। अगला है चेंज ऑफ टेंसेज, टेंस के अंदर परिवर्तन। तो इसका जो पहला नियम है वो आपको ये देखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब इसका दूसरा नाम रिपोर्टिंग स्पीच भी है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें नियम क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी टेंस का प्रयोग जो कहते हो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यदि वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वही टेंस है जो कहते हो वो रह जाता है। अगला नियम है इसी का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए टेंस को निम्नलिखित सारणी के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हम रिपोर्टेड स्पीच में आए टेंस को निम्नलिखित सारणी के अनुसार बदलते हैं, नहीं तो नहीं बदलते हैं। तो आप देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है, वही क्रिया है वो रहती है, वही टेंस रहता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें भी कोई परिवर्तन है वो नहीं होता है। विल को हम वुड में बदल देते हैं, शेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं, और बाकी के जो मॉडल वर्ब्स है जैसे वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, ओथ टू है, उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यहाँ पर मैं ये बात दोबारा बता रहा हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, यदि वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निकटता के अर्थ सूचक शब्दों को दूरी के अर्थ सूचक शब्दों में
हम बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय। जैसे यदि डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे आएगा, नाउ वो हम देन में परिवर्तित करेंगे, टुमारो द नेक्स्ट डे, थस सो, दिस को देट में बदल देते हैं, हैंस को देंस में, दीज को दोज में, टू नाइट को देट नाइट में, हियर को देयर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, कम को गो में, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, लास्ट डे को द प्रीवियस डे में। ये कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं जो आपको बड़े ही ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेड टू अगर है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त उस सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं व उसके स्थान पर देट लगा देते हैं। तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच में आए पर्सन्स को S1/1-2-3 फॉर्मूला के अनुसार बदलते हैं, जो कि बात मैंने आपको पहले बताई है। रिपोर्टेड स्पीच में आए टेंस में परिवर्तन तभी करते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अन्यथा टेंस को ज्यों का त्यों ही रखते हैं। अगला नियम, रिपोर्टेड स्पीच में आए निकटता के अर्थ सूचक शब्दों को दूरी के अर्थ सूचक शब्दों में तभी बदलते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, अन्यथा नहीं बदलते हैं। अब देखते हैं नरेशन, जो कि हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि मैंने शुरुआत में आपको ये बात बताई है। इस टॉपिक को 3 भागों में बांटा गया है क्योंकि अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, इसलिए अलग अलग सेंटेंस को मैंने अलग अलग कैटेगरी में रखा है, अलग अलग पार्ट्स में रखा है। सबसे पहले है अफिर्मेटिव सेंटेंसेस व नेगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में लेंगे। सेकंड पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन, और जो थर्ड पार्ट होगा वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वो ले रहे हैं कि अफिर्मेटिव सेंटेंस व नेगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेज है वो लिए जो कि आपको देखने हैं, अफिर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। पहला सेंटेंस, राहुल सेड टू मी आई रोट एन एप्लीकेशन। राहुल सेड टू मी आई रोट एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये जो वाक्य दिया हुआ है ये वाक्य डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। कैसे पता चला हमें डायरेक्ट स्पीच का है? क्योंकि इस वाक्य के 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो वो है जो कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, दूसरा जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदलेंगे वो आपको देखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सेड टू है उसको हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, जो कि मैंने यहाँ बदला है। तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया तो क्या हो गया, राहुल टोल्ड मी। अब आगे क्या करना है, हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देना है और उसके स्थान पर क्या लगाना, डेट लगाना, जो कि हमने लगा दिया डेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पर्सन आया है, जो सब्जेक्ट आया है, आई आया है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा जो हमारा जो नियम है S-O-N/1-2-3 उसके अनुसार इसे चेंज करेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो आई वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन है, राहुल। तो राहुल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ में लेंगे, राहुल के लिए हम प्रोनाउन यूज़ में लेंगे ही। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ही, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है, तो यहाँ पर हमने ही लिखा है। अब आप देखिए टेंस, टेंस में हम परिवर्तन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए हम जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है हेड रिटन, रोट की जगह क्या लिखा है, हेड रिटन, और बाकी बचा हुआ शेष वाक्य वो लिख दिया है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है। अगला सेंटेंस जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, राहुल सेड टू मी
आई डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, राहुल टोल्ड मी, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने डेट लगा दिया, और आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर मैंने ही लिख दिया, और जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है डिड नॉट राइट है उसकी जगह पे मैंने हैड नॉट रिटन लिख दिया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो हो गया हैड नॉट रिटन एन एप्लीकेशन। अगला सेंटेंस, राहुल सेज टू मी आई रोट एन एप्लीकेशन। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ये थोड़ा आपको समझना है। इस वाक्य के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के इस वाक्य के अंदर सेज टू आया, यानी कि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस के अंदर है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको तीन तरह के परिवर्तन इस तरह के वाक्यों में नहीं करने, सॉरी दो तरह के परिवर्तन आपको इस वाक्य में नहीं करने। सबसे पहला, टेंस में आपको किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना है, और निकटता के अर्थ सूचक शब्दों को हम दूरी के अर्थ सूचक शब्दों में नहीं बदलेंगे। तो इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। सेज टू को सबसे पहले हमने टेल्स में बदल दिया, राहुल टेल्स मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमने डेट लगा दिया, और आई है जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला है, तो ही लिखा है, और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इस टेंस को हम ज्यों का त्यों ही रख देते हैं। रोट एन एप्लीकेशन सिर्फ प्रोनाउन के अंदर हमने चेंज किया है। अगला सेंटेंस, राहुल सेज टू मी आई डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन। राहुल टेल्स मी, सेज टू को किस में बदला हमने, टेल्स में बदल दिया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमने डेट लगाया, आई है जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसको हमने राहुल के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला, तो यहाँ पर ही लगाया है, और टेंस के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट स्पीच के इस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में ये इस तरह के सेंटेंसेज हैं वो किस तरह के आएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं, वो आपको समझने हैं। सबसे पहला वाक्य है, द टीचर सेड टू राम यू कैन विन फर्स्ट प्राइज। द टीचर सेड टू राम यू कैन विन फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पर ये जो मैंने अंडरलाइन किया है सेंटेंस को, यहाँ तक आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ आएगा, तो आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया है। तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करके यहाँ पर लिखा गया है, द टीचर टोल्ड राम, यहाँ तक दिया हुआ आएगा। अब आपको करना क्या है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपको डेट लगाना है, और यू है वो क्या है, सेकंड पर्सन। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो है राम है, और राम के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही आएगा, तो यहाँ पर हमने ही लिखा है, और केन को हमने कुड में बदला। क्यों बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जिसका दूसरा नाम रिपोर्टिंग वर्ब भी है वो क्या है, पास्ट टेंस में, इसलिए केन को कुड में बदल दिया, और बाकी शेष वाक्य। दूसरा सेंटेंस, दे सेड टू मी वी डिड नॉट सी ए स्नैक इन फार्म। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो दे सेड टू मी को किस में बदला गया, दे टोल्ड मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डेट लगा दिया। अब देखो वी यहाँ पर क्या है, वी है, तो वी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का आपको मैंने बताया था हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ हम दे लिख देते हैं, और यहाँ पर जो रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है, तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया है। दे हैड नॉट सीन ए स्नैक इन फार्म, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप दोबारा देखिए, दे सेड टू मी वी डिड नॉट सी ए स्नैक इन फार्म, तो दे सेड टू मी को दे टोल्ड मी में बदला गया है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डेट लगा दिया गया, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन हमेशा
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या? दे। तो यहाँ पर हमने दे लिख दिया क्योंकि ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव रूप में, इसलिए हमने दे को दे लिख दिया। और डिड नॉट है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसलिए हमने हैड नॉट लिख दिया। और यहाँ पर सी फर्स्ट फॉर्म आई, उसकी हमने थर्ड फॉर्म लिख दी सीन, और बाकी का बचा हुआ वाक्य। अगला सेंटेंस, आई सेड टू हर योर सन डज नॉट कम टू स्कूल। आई सेड टू हर योर सन डज नॉट कम टू स्कूल। अब इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सेड टू को हमने किस में बदला? टोल्ड में बदला। ये आपका एग्ज़ाम में दिया आएगा, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर देट। अब यहाँ पर है योर सन, योर सन, योर सन, ये क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हर सन होगा। आई टोल्ड हर दैट हर सन, यहाँ हर सन की जगह मैंने ही सन लिखा है, तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लेना, हर सन। आई टोल्ड हर दैट हर सन डिड नॉट कम टू स्कूल। वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, तो इसको हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज कर दिया है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस जो दिए हुए हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस, वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। वॉच पार्ट टू टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो